तो मेरे मम्मी पापा भी आप भी अच्छे बोल रहे हैं कि अरे तेरे मतलब स्टैम रे अभी स्टार्ट से, मतलब तू पहले बहुत स्टैमर होता था, तो अब तेरी स्टैमरिंग पहले से ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हो गई, मतलब 90% तेरी अभी स्टैमरिंग सॉल्व हो गई, क्योर हो गई। तो मेरे यहाँ के फ्रेंड है, रूममेट मेरे, तो मुझे अब वो भी बोलते हैं कि यार तेरी स्टैमरिंग आई थिंक बहुत ज्यादा कम, मतलब 90% तेरी स्टैमरिंग अभी पहले से ज्यादा। अच्छी है, कम है, मतलब नहीं हाँ है। हाँ मतलब तेरी स्टैमरिंग नहीं है अभी। हाय मेरा नाम है दिगंबर उड़ान और मैं जालना जिला से हूँ। तो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम आई थिंक मुझे मतलब 7-8 साल से थी। 7-8 ईयर के थे आप, हाँ 8 8 ईयर ओल्ड, हाँ मतलब 8 साल के थे तब। 7-8 साल का था मैं। तो आई थिंक स्टैमरिंग, तब से मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। तो मैंने भी ज्यादा मतलब स्टैमरिंग के बारे में ज्यादा कुछ सर्च नहीं किया था मतलब पहले। तो मुझे मेरी मतलब स्टैमिंग बढ़ते 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 अभी तक आए बढ़ते इतने तक, तो मुझे अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब स्टैमिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। तो मैंने सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया मैंने, तो मुझे अंकुश सरपारे का वीडियो अच्छे लगे। तो मैंने उनसे स्टैमिंग के बारे में उनको मैंने कॉल किया, और कॉल करने के बाद उनसे मैंने अपॉइंटमेंट ली। तो फिर मैंने 1 महीने का कोर्स उनके यहाँ कंप्लीट किया। मीन्स पहले मुझे मतलब सामने को बात करनी थी, तो मैं पहले अ शब्द का एक करता ज्यादा ऊंचा, तो मुझे वो बाद वाला शब्द वो नहीं कर देता है मेरा, मतलब स्टार्ट में मुझे मतलब इसकी ज्यादा ये प्रॉब्लम थी, का ज्यादा ये कर देता मैं। एक्चुअली मेरे स्टैमरिंग मेरे फादर मतलब मेरे स्टैमरिंग मेरे फादर से यहाँ से चालू हुई लगता है मुझे। और मेरे मतलब स्टैमरिंग मेरे ग्रैंडफादर को भी थी और मेरे फादर को भी थी। और मेरा एज अभी 30 है, और मुझे मतलब कौन से वर्ड में प्रॉब्लम आते हैं, मुझे इस वर्ल्ड में मतलब सामने को बोलने में प्रॉब्लम आती है। रियल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या चेंजेस दिखे आपको? रियल लाइफ में मतलब तो कंपनी वाले अभी से अभी अभी मेरी समोसा कंपनी है कहाँ पर? वो कोथरूड में नल स्टॉप पे। तो मैं यहाँ से मतलब और मैं रहने को हड़पसर में हुआ अभी यहाँ, तो मैं यहाँ से जाता हूँ पीएमटी से। तो मुझे हड़पसर से नर स्टॉप जाने के लिए, तो मेरा स्टॉप था नर स्टॉप, बट मैं वो स्टॉप का नाम मतलब क्लियर नहीं बोल पाता नर्ल स्टॉप। था। तो नर स्टॉप, तो मैं कंडक्टर को नर स्टॉप नहीं बोलता था, वो नर स्टॉप के आगे वाला स्टॉप है। तो मैं मतलब सोनल हॉल वो स्टॉप का नाम है, तो मैं वो स्टॉप का नाम लेता था पहले, सर जी एक सोनल हॉल दे दे। तो मैं सर मतलब उनसे वो टिकट मांगता था सोनल हॉल। अभी तो अभी मैं नर स्टॉप सीधा मांगता हूँ, सर एक नर स्टॉप दीजिए, बस ऐसे ही उनसे मैं टिकट लेता हूँ हर दिन। अभी मतलब और अभी मुझे पहले से अच्छा ज्यादा मतलब ये इशू नहीं कम आता मैं है, इशू नहीं अभी नहीं आता। आता इशू ज्यादा। ओके, और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या कहता है, मतलब
टेक्निक्स या फिर जो आपकी ट्रेनिंग हुई है, क्या एक्सपीरियंस है आपका? तो मुझे जो सर ने सिखाया है टेक्निक्स ट्रिक्स वगैरह उनके जो अच्छे एकदम मतलब सर जो सिखाते एकदम इजी ट्रिक से हो, मतलब उसमें कुछ हार्ड ज्यादा कुछ ऐसे नहीं, इजी है, बाहर फॉलो कर सकते हैं। हाँ, और ओवरऑल मतलब कितना परसेंट लगता है कि आपकी स्टैमरिंग अभी और कम है? तो मेरे 90% तो अभी मतलब स्टैमरिंग क्योर हो गई है, रहेगी अभी 10% 10% मतलब अपने ऊपर डिपेंड रहता है अभी वो। तो आप मतलब आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, तो आप मतलब बाहर के लोग को आप मतलब कैसे कैसे हैंडल करते हो। अभी आपको थोड़ी सी अ के इशू होता है? हाँ, right? थोड़ा थोड़ा होता है ज्यादा, बट मतलब पहले से कम, पहले से कम हुआ थी, बहुत बहुत ज्यादा कम होता है पहले से। तो मैं पहले ज्यादा अगर वो करता हूँ और उच्चारण करता जाता। और आपकी एडवाइस क्या है जिनको स्टैमरिंग है? मेरे को लगता है ये मतलब स्टैमरिंग कुछ अपनी ये मतलब स्टैमरिंग कुछ ये नहीं बीमारी नहीं है, ये स्टैमरिंग ये खाली अपनी हैबिट है जो जो अपने मतलब 5, 10, 15, 20 साल वो अपने लाइफ में चलती आ रही है अभी। तो ये स्टैमरिंग आने की वजह से तो अपने मन में एक क्या डर बैठा है कि हम सामने को नहीं बोल सकते, सामने वाले से बात नहीं कर सकते। तो मतलब ये स्टैमरिंग कुछ यहाँ ये इसमें मतलब स्टैमरिंग कुछ परमानेंट नहीं है, आपके दिमाग में है बस। हाँ, वो खाली अपने दिमाग में रहता है कि अरे यार ये स्टैमरिंग है मुझे, तो मेरा अभी मतलब काम मेरे को नहीं लगा, जॉब नहीं लग जाएगा। और तो मतलब इसमें स्टैमरिंग की कुछ ज्यादा ये मतलब इसमें सोल्यूशन है, बट आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस करने पड़ते हैं आपको रेगुलरली, जो सिखाने के बाद क्या क्या सिखाया है। तो आई थिंक आपकी स्टैमिंग 1, 2, 3 महीने में आपकी स्टैमिंग 100% क्योर मतलब हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी भी हो जाएगी? हाँ, मेरे भी हो जाएगी। तो आई थिंक मेरे को सर ने अभी सिखाया बहुत, तो मैं अभी उसकी मतलब रोज में प्रैक्टिस करता हूँ अभी। तो मेरे को अभी पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा मेरी स्टैमिंग क्योर हो गई अभी मेरी। ओके ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू।